नमस्कार दोस्तों, द न्यूज गाइड यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, सुरेश रैना कुछ दिन पहले आईपीएल 2020 और चेन्नई सुपर किंग को छोड़कर भारत वापस लौट आए थे, जिसके बाद उनके भारत लौटने को लेकर कई प्रकार की खबरें सामने आ रही थीं। खबरों में ये भी कहा जा रहा था कि रैना का धोनी से विवाद हो गया है, लेकिन अब इन खबरों को लेकर रैना ने अपनी बात रखी है और मंगलवार को रैना ने साफ कर दिया कि वो पारिवारिक कारणों की वजह से भारत आए हैं। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले दिए एक इंटरव्यू में टीम के मालिक एन श्रीनिवासन ने कहा था कि रैना को होटल में कमरा पसंद नहीं आया था, जिसकी वजह से वो नाराज चल रहे थे। रैना ने क्रिक बस से बात करते हुए भारत लौटने के पीछे अपने फैसले के बारे में बताया। रैना ने कहा कि वह अपने परिवार की वजह से भारत वापस लौटे हैं। उन्होंने कहा कि मैं इस बात को लेकर चिंतित था कि यदि मुझे कुछ हो जाता है तो उनका क्या होगा, मेरा परिवार मेरे लिए अहम है। इस दौरान मैं इस बात को लेकर काफी चिंतित हूँ। मैंने पिछले 20 दिनों से अपने बच्चों को नहीं देखा है। वापस लौटने के बाद से ही मैं क्वारंटीन हूँ। रैना के भारत लौटने पर कहा जा रहा था कि उनका विवाह धोनी से भी हुआ है। रैना ने कहा, सीएसके मेरा परिवार है और माही भाई मेरे लिए सब कुछ हैं। मेरे लिए कठिन फैसला था जो मुझे लेना पड़ा। मेरा और सीएसके से कोई विवाद नहीं है। कोई भी बिना ठोस कारण के 12.5 करोड़ रुपए नहीं छोड़ सकता। मैंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया है और मैं अभी करीब 5 साल आईपीएल और खेल सकता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले दिनों रैना को लेकर कई तरीके की अफवाहें या फिर कई तरीके की अटकलें लगाई जा रही थी, जो रैना ने मंगलवार को इंटरव्यू देकर साफ कर दिया है। और उन्होंने अपने इंटरव्यू में यह भी कहा कि एन श्रीनिवासन मेरे पिता के जैसे हैं और उनसे मेरी बात हो चुकी है। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।